friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of Tech Axis, where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू वेरीफाई द इनकम टैक्स रिटर्न, हाउ टू ई वेरीफाई। ई वेरीफाई करना आपको अपनी फाइल्ड रिटर्न को बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया विद इन 60 डेज, पहले ये डेज 120 थे, अब ये अपडेट होकर के 60 डेज आ गई। 60 डेज के अंदर आपको अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करनी है, वरना वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इससे होगा क्या? इससे होगा कि अगर आपके ITR फाइल करने के बाद आपका कुछ रिफंड बन रहा है या कुछ डिमांड आने के चांसेस है तो वो आपके पास नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम कि अपनी रिटर्न को हम ई वेरीफाई कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है, आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लो अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके। आईडी बेसिकली आपका पैन नंबर होगा और पासवर्ड वो जो आपने क्रिएट किया होगा। लॉगिन करने के बाद हम होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ई फाइल। ई फाइल पे जा करके उसके बाद आता है इनकम टैक्स रिटर्न्स, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ रहा है फाइल इनकम टैक्स, व्यू फाइल रिटर्न और यहाँ पे ऑप्शन आता है ई वेरीफाई रिटर्न, इसको क्लिक करना है। ई वेरीफाई रिटर्न के बाद यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन दिख रहा है ई वेरीफाई, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देता है हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई योर रिटर्न, आप अपनी रिटर्न को कैसे ई वेरीफाई करना पसंद करोगे। यूजिंग OTP, जो कि मोबाइल नंबर पे आएगा, इन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार के साथ जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, या फिर यू नीड टू ई वेरीफाई योर रिटर्न यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी आप कर सकते हो, या फिर जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, मतलब EVC के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पे हम चूज करेंगे आई वुड लाइक, जो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ गया आपके पास ऑप्शन कंटिन्यू, इसे मैंने कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आता है पॉपअप आएगा आपके पास OTP जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको करना है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, अपने आप कर लेगा। यहाँ पे फिर आपका जनरेट आधार OTP, जनरेट OTP करने के बाद आप देख सकते हैं क्लाइंट के पास OTP चला गया है। अभी आप यहाँ पे OTP डालेंगे। जनरेट करने के बाद आपके पास एक OTP गया होगा जो कि आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं भी अपना OTP डाल देती हूँ, फिर इसे वैलिडेट कर देना। तो ये सिंपली आपकी रिटर्न ई वेरीफाई हो गई है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। ये डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आप करोगे तो आपके पास फाइनल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, जिसमें आपके पास वहां पे लिखा भी रहेगा कि रिटर्न इज सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। तो ये सिंपल प्रोसेस था अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करने का। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।